everyone, welcome back to my channel. Today I'll share this Brone Epilator review plus my underarm cleaning routine, which is really important in summer especially. मैं साथ में नहीं बोल रही वीडियो में because बाहर बहुत ज़्यादा शोर है, so I will voice over it later. Along with this epilator, you will get this book. इसमें सब कुछ लिखा गया है and ये guarantee card भी है and everything is explained in a very clear way कि इसको कैसे use करना है. Still I will show you कि मैं इसको कैसे use करती हूँ. Let me show you the product. You will get this डब्बा और इसमें आपको सारा सामान मिल जाएगा जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी. सबसे पहले मशीन है, दिस इज द मेन प्रोडक्ट. इसके साथ एक्सटेंशंस भी हैं. इट इज़ रियली लाइट वेट एंड वेरी इजी टू यूज़. ये एक पीछे स्विच सा है, इसको हम जब प्रेस करते हैं तो उसके ऊपर का जो एक्सटेंशन है वो निकल जाता है. अलॉन्ग विद दिस यू विल गेट दिस क्यूट सा ब्रश ताकि आप इसको अच्छे से क्लीन कर सके. ये है इसके ऊपर लगने वाला एक्सटेंशन. ये रोलर सा है, ये घूमता है जब हम इसको स्टार्ट करते हैं और उसके ऊपर ये आपको कैप्स मिल जाती हैं. दीज आर कॉल्ड स्किन कॉन्टैक्ट कैप्स. ये दो तरीके से आपको मिलती हैं. मैं आपको बताऊँगी कौन सी किस टाइम यूज़ करनी है. फर्स्ट फॉलो आप देख पा रहे हैं कि ये राउंड सी शेप है ना, तो इसका जो ये रोलर वाला ऊपर का एक्सटेंशन है, इसको जिधर से उसकी राउंड शेप है इसको इस तरीके से फिट कर लेना है. अब ये फिट हो गया है एंड इसके बाद इसके ऊपर लगेगी कैप, जो स्किन कॉन्टैक्ट वाला कैप है. मैं यूज़ कर रही हूँ ये बीड्स वाला बिकॉज मुझे आपको अपनी अंडर आर्म्स की रूटीन दिखानी है और वहाँ पर अगर आप कोई भी सेंसिटिव एरिया पर इसको यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर आप इसी को यूज़ करें. इससे क्या होता है, स्किन को एक तरीके से थोड़ा सा सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं और इससे जो हमें पेन है वो कम होता है. नाउ आई विल शो यू हाउ इट स्टार्ट्स. आपको बटन प्रेस करना है. दिस इज़ हाउ इट स्टार्ट्स. नाउ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ अपनी अंडर आर्म रूटीन. मैं इस प्रोडक्ट को पिछले 1.5-2 महीने से यूज़ कर रही हूँ अपने अंडर आर्म्स पर. नो डाउट जब मैंने इसको पहली बार यूज़ करा था मुझे काफ़ी दर्द हुआ था, बट यू कैन सी कि अब मैं अपने अंडर आर्म्स को कर रही हूँ 20 डेज के बाद एंड यू कैन सी जो इसका ग्रोथ है वो बहुत कम हो गया है इसको यूज़ करने से. बिकॉज ये एपिलेट करता है, ये रूट से जो मेरे बाल हैं उसको निकालता है जैसे वैक्सिंग निकालती है. ये स्किन कैप्स के बीच जब हमारी स्किन को टच होते हैं ना तो बहुत ही जो पेन है उसको रिड्यूस कर देते हैं. सो दैट्स वाई आई ऑलवेज प्रेफर टू यूज़ बीड्स वन अगर आप अपने सेंसिटिव एरिया के ऊपर इसको कर रहे हो. मेक श्योर जब भी आप स्टार्ट करें तो आपकी स्ट्रेचिंग इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, अपने बाजू को बिल्कुल पीछे कर लीजिए सो दैट कि एक अच्छा सा स्ट्रेच आ जाए. देन स्टार्ट विद द शॉर्ट सेक्शन. मैं धीरे धीरे सेक्शंस को ले रही हूँ. अगर आप में पेन को बर्दाश्त करने की थोड़ी ज़्यादा हिम्मत है तो आप सारा भी कवर कर सकते हो जल्दी जल्दी से जैसे मैं अब कर रही हूँ. बिकॉज इस टाइम मुझे पेन कम था क्योंकि मैं इसको कम से कम चौथी या पाँच बार कर रही हूँ और इसने मेरी ग्रोथ को सीरियसली बता रही हूँ बहुत कम कर दिया. आई डोंट नो हाउ. और वैसे भी मेरे अंडर आर्म्स की ग्रोथ ज़्यादा नहीं है लेकिन इसने उसको भी कम कर दिया है. एंड दिस इज़ द हेयर जो मेरे इसके कैप के अंदर आ गए हैं आफ्टर यूजिंग इट जस्ट फॉर इवन मेरे ख्याल से मैंने इसको 30-40 सेकेंड्स ही यूज़ करा है. एंड उसके बाद इस पर पाउडर लगा लेती हूँ सो दैट कि जो बिल्कुल छोटे छोटे बाल हैं ना वो भी निकल जाए क्योंकि गर्मी की वजह से पसीना आता है तो बाल निकलने में थोड़ा सा दिक्कत रहता है. तो इनकी डायरेक्शन भी किसी की कहीं है किसी की कहीं है. सो आपको सिर्फ डायरेक्शन का ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंगली इसको चलाना है. अगर आप पहली बार ट्राई करेंगे तो आपको नो डाउट थोड़ा सा पेन होगा जैसे वैक्सिंग में होता है, और उसके बाद अगर आप हर 15 दिन के बाद इसको करोगे ना तो आपको पेन नहीं होगा. ट्रस्ट मी, जैसे मैं यूज़ करती हूँ और मेरे लिए इतना हैंडी हो गया कि मैं आपको क्या बताऊँ. एंड आई फील सो कॉन्फिडेंट जब मुझे पता है कि मेरे अंडर आर्म्स वैक्स्ड हैं. जब हम रेजर्स यूज़ करते हैं तो जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत जल्दी आ जाता है लेकिन इससे नहीं आता. ये बिल्कुल रूट से आपके बालों को निकालता है एंड मैं बिना देखे इसको कर लेती हूँ. इतना सेफ टू यूज़ है, बीड्स की वजह से भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है यहाँ पर एपिलेट करना. नाउ मुझे क्या करना था, मैं देख रही थी कि कितने रह गए. अभी मैंने फाइंड आउट करा कि मेरे भी अभी 2-3 छोटे छोटे बाल अभी पड़े हैं. सो आई चेंज द कैप. अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि दिस मच ऑफ हेयर इट हैज़ टेकन इन टू इट. नाउ आई चेंज द कैप. मैंने अब सिंपल वाला लगाया है एंड मैंने इसको दोबारा से किया है. जो छोटे छोटे बाल रह गए हैं बहुत छोटे से वो इससे बहुत अच्छे से निकल जाएंगे एंड इट इज़ लाइक सो स्मूथ. आपके अंदर हम बहुत अच्छे और बहुत फ्रेश रहते हैं एंड ग्रोथ मेरा तो बहुत कम हुआ है. आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं. देखिए अभी मेरे जो अंडर आर्म्स है बिल्कुल क्लीन है, कोई भी हेयर नहीं है इसके ऊपर. इस प्रोसेस के बाद मैं इसको दोबारा से क्लीन कर लेती हूँ. उसके बाद मैं क्या करती हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ. नाउ आई विल शो यू द अनदर वन. लुक एट द डिफरेंस.
अब आप क्लियरली देख सकते हो कि इसने मेरी अंडर आर्म्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो डार्कनेस थी वो भी कम हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं रेज़र यूज़ नहीं कर रही हूँ, एपिलेट कर रही हूँ, तो मेरी स्किन भी बहुत अच्छे से क्लीन हो रही है। नाउ मैं दूसरी तरफ कर रही हूँ, इधर थोड़ा सा दिक्कत रहता है क्योंकि ये उल्टा हाथ पड़ जाता है बिल्कुल ऑपोजिट, तो थोड़ा सा दिक्कत रहता है, लेकिन अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लिटिल बिट पेन होता है एज यू कैन सी फ्रॉम माई एक्सप्रेशंस, बट इट इज़ बियरेबल, ट्रस्ट मी इट इज़ बियरेबल। आप इसको ट्राई कर सकते हो, आप देख सकते हो कि मैं इसको कितनी कॉन्फिडेंटली यूज़ कर रही हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको इसको ट्राई आउट ज़रूर करना चाहिए, फर्स्ट टाइम आपको पेन होगा लेकिन उसके बाद नहीं होगा। ऑब्वियसली जब आप फर्स्ट टाइम कर लोगे ना, उसके बाद आप जब थोड़े से बाल आएंगे तभी आप इसको एपिलेट कर लीजिए, एंड आप रूटीन बना लीजिए, हर 15 दिन के बाद आपने इसको एपिलेट करना है। तो ट्रस्ट मी, ये देखिए मेरा अंडरआर्म कितने क्लीन लग रहे हैं, कोई फिल्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं, मैं आई डोंट यूज़ फिल्टर्स, ये बिल्कुल नेचुरल है जो है। उसके बाद मैं एक अच्छे से बिल्कुल न्यूट्रल वाले जो मेकअप रिमूवर है उससे अपने आर्म्स को क्लीन कर लेती हूँ, सो दैट कोई भी पार्टिकल हो वो उतर जाए, कोई भी छोटे छोटे बाल हैं तो वो निकल आए। लुक एट देम एंड आई फील रियली कॉन्फिडेंट। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको धोना कैसे है, एंड आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट, ट्रस्ट मी। इट कॉस्ट यू अराउंड 3000, अभी पहले 6000 का था लेकिन अभी ये हाफ प्राइस पे हो गया है, बट इट इज़ वर्थ परचेसिंग। इसको धोना भी बहुत आसान है, इस मशीन को नहीं धोना, मैंने देखा है कई लोग ना इस मशीन के ऊपर भी पानी डाल रहे हैं, नहीं, इसको बिल्कुल साइड पे रख दीजिए और इसके कैप्स को साफ कर लीजिए और ब्रश के साथ इसकी जो रोलर है ना उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, कोई भी हेयर ना रहे। अगर आप चाहते हो तो आप इसको शैम्पू या किसी क्लेंजर के साथ भी क्लीन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट आई डोंट, ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बट वंस इन अ वाइल यू कैन डू इट, एंड आई हाईली 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 रिकमेंड दिस प्रोडक्ट बिकॉज इसने मेरे अंडर आर्म्स की गेम को बिल्कुल चेंज कर दिया है। एंड यू गेट दिस चार्जर अलॉन्ग विद दिस, इसको सिर्फ चार्ज करना है एंड यूज़ करना है और कोई खर्चा नहीं है। इट इज़ रियली 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 बेस्ट इन्वेस्टमेंट, यू कैन definitely check this out. I will provide the link. Bye bye, take care.